तो हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद तो करता हूँ कि एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। अगर मस्त नहीं भी हो तो यार आज की वीडियो के अंदर आ जाओ यार, मस्त से कर दूंगा। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले भाई आप लोगों का नेक्स्ट इवो वर्ल्ड कर में। और भाई काफ़ी सारा भाई ने मेरे को ये कमेंट किया है कि यार स्कार का इवो गन जो है वो कब तक रिटर्न में आने वाला है, तो उसको लेके भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। साथ ही साथ यार बात करने वाले आप लोगों का कोबरा बंडल कर में। देखो कोबरा बंडल की एक छोटी सी अपडेट मिली है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ बात करने वाले ये भाई आप लोग का बनी बंडल रिटर्न कर में, और बात करने वाले आप लोग का गोल्डन सेट बंडल कर में। भाई आप में से काफ़ी सारे भाई ने इन सब के लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो फिलहाल मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग का सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना के रख दिया हूँ। तो यार वीडियो कैसे लगता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगता है ना तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि यार बहुत ही इस टाइप का मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो जो भी है भाव वीडियो को देख सकते हो, एक ओपी टाइप का फेडेड व्हील इवेंट जो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले दिखा था और बोला भी था कि यार इसका जो इवेंट का मतलब जो यहाँ पे देख सकते हो ग्लोअल और इमोट है, ये जो रिवॉर्ड वगैरह ही आप लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो भाई अभी के टाइम पे बात करी कि यार ये कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो मैं आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि यार इसका जो इवेंट है मतलब एप्पल ब्लू वाला जो बंडल की इवेंट है वो आप लोग को अपडेट के बाद आएगा। करीब यार 22 तारीख के अंदर अंदर इसका इवेंट स्टार्ट होने वाला है। अगर उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है तो भाई एक ही रिंग इवेंट के अंदर इसका जितने भी आइटम होगा सब कुछ शायद आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई अलग सा भी इवेंट आ सकता है। ठीक है, अभी के टाइम पे देखो इवेंट को कन्फर्म करना मुश्किल है, क्योंकि भाई अभी दो एक दिन ही बस बाकी है अपडेट आने में। तो यार कुछ दिन तक आप लोग वेट करो, दो तीन दिन तक यार ज़रूर अपडेट आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को कन्फर्म करके ज़रूर से बता सकता हूँ। अभी के टाइम पर कन्फर्म करना मुश्किल है, हालाँकि यार अभी के टाइम पर अपडेट होगा ना इसके लिए कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो आप लोग इसके लिए थोड़ा बहुत वेट करो, आप लोगों को अच्छे से कन्फर्म होने के बाद ही बता दूंगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद में इस बात करके आप लोग का चिकन एक्सिमेट रिटर्न कर में, तो जो भी है भाई बाहर की सब सर्वर के अंदर तो ये जो गन की स्किन है मुर्गा वाली ये तो कब तक आ चुका है, लेकिन ये मुर्गा वाली हमारा इंडियन सर्वर के अंदर अभी तक नहीं आ रहा है। इसके लिए बोल रहा हूँ भाई यार बाहर की सर्वर का तो यार रिटर्न में आना मतलब यार बोलोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप का टाइम हो चुका है। अभी तक इंडियन सर्वर के लिए भी पेंडिंग करके रखे। तो देखो जितना मेरे को अपडेट मिला है बताता हूँ, देखो अपडेट जो आएगा ना OP44 का उसके बाद मतलब आप लोगों को इसी मंथ को देखने के लिए मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर इस मंथ को देखने के लिए मिलता है तो भाई 25 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए इसका इवेंट मिलेगा। अगर इस मंथ को नहीं आता है तो भाई नेक्स्ट मंथ को आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस मंथ को आता है तो भाई 25 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका इवेंट क्या होगा वो भी देख सकते हो, यार इस टाइप का कुछ रिंग इवेंट जैसा होने वाला है। और बात करके यार गन्स की जो स्किन है इसको निकालने में इतना डायमंड लगेगा, तो देखो मतलब इतना तक तो बता सकता हूँ कि यार 2K से लेकर 3K तक इतना तो डायमंड जरूर लगेगा आप लोगों का, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ गारंटेड स्पिन वगैरह भी हो सकता है यार स्पिन वगैरह करके निकलने जाओगे तो। बाकी यहाँ पे एक्सचेंज भी रहेगा, शायद आप लोग एक्सचेंज भी कर सकते हो इस टाइप का। अभी तो देखो इसका में कोई कन्फर्म अपडेट नहीं मिला है, मिलता है तो ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार काफ़ी सारा भाई का मेरे पास एक कॉमेंट है कि यार विक्रम भाई हमारा जो स्ट्रीट थक बंडल है वो रिटर्न में कब तक आएगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों का। तो देखो मैं आप लोगों को कल की वीडियो पर भी ये वीडियो बता चुका हूँ, सॉरी भाई ये बात बता चुका था कि यार आप लोगों को स्ट्रीट थक का जो इवेंट है वो फिर से रिटर्न में दिया जाएगा। इस बार आप लोगों का स्ट्रीट थक का दो ही बंडल रिटर्न आएगा, एक है स्ट्रीट थक का मेल वाला बंडल, दूसरा है उसकी का फीमेल वाला बंडल। तो ठीक है, ये दोनों बंडल ही सिर्फ रिटर्न में आएगा, बाकी अदर सर कोई भी आइटम आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और अगर ये दो बंडल आता है तो भी आप लोगों को इसके लिए कोई स्पेशल टोकन का रिंग या फिर कोई आप लोगों को लकड़ल भी दिया जा सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को कोई ऐसा मुकोस्टर वगैरह भी दिया जा सकता है। क्योंकि यार मैं जब निकला था एक बार तो मैं मुको स्टोर से ही निकाला था, फिलहाल में आप लोगों को इसका कोई मुको स्टोर इवेंट वगैरह भी दिया जा सकते हैं। तो देखो अभी के टाइम पे कौन सा इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा ये तो मैं अभी के टाइम पे कंफर्म करके बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिन में इसका इवेंट आप लोगों को गेम पे बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि यार आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है भाई जिन भाई लोगों ने उस इवेंट के अंदर से निकल नहीं पाया था उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं अगर बात करी भाई बनी बंडल रिटर्न कर में, देखो आप में से काफ़ी सारा भाई ने मेरे को ये कमेंट किया कि विक्रम भाई बानी बंडल का इवेंट कब तक आने वाला है, बानी बंडल का इवेंट कब तक आने वाला है। बहुत सारा मैंने मेरे को बहुत सारे कमेंट किए हो, तो यार
अगर बात करके यार बनी बंडल का इवेंट कब तक आने वाला है, तो देखो बनी बंडल का इवेंट जो है आप लोगों को सेवेंथ एनिवर्सरी को आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेवेंथ एनिवर्सरी का जब इवेंट आएगा उसी टाइम आप लोगों को एक ही बनी बंडल रिटर्न में दिया हुआ जाएगा। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि यार सारे के सारे बंडल देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई, एक ही बनी बंडल आप लोग को दिया हुआ जाएगा और उसी बनी बंडल को आप लोग को मतलब निकलना पड़ेगा। अभी एक भाई ने मेरे को बोला था कि यार उज्ज्वल गेमिंग ने बता रहा है कि यार 22 अप्रैल को आएगा, तो यार कन्फर्म नहीं है भाई, बता देता हूँ होगा क्योंकि यार अभी तक उसके लिए कोई भी अपडेट नहीं मिला है। यार अपडेट मिलता तो कब तक बता देता मैं, यार वो बंदा कहाँ गया यार जिसने बोल रहा था कि यार ऐसा ऐसा कमेंट वगैरह कर रहा था सबको, वो कहाँ गया, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आ जाओ भाई। तुम लोग कमेंट करके फिर से कहाँ भाग जाते हो मेरे को पता नहीं चलता यार, मेरे को भी तो कुछ बात वगैरह करनी है ना, तो तुमसे थोड़ा सा बात करनी है मेरे को, क्योंकि तुम्हारे पास सच अपडेट होता है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा तुम अपडेट देते हो, तो मेरे को तुमसे बात करनी है कि यार मेरा चैनल तुम्हारे को दे दूंगा, तुम चला लेना भाई। यार ऐसे ऐसे अपडेट देते हो ना कि यार दिमाग गर्म हो जाता है। जो भी है भाई, इसके बाद में अगर कमेंट्स की बात करें तो देखो एकदम से कम कमेंट्स में आज की इस वीडियो के अंदर पिक किया हूँ, कल की जो वीडियो आएगा उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट पिक कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज की ये वीडियो है ना बहुत टाइम पहले बना रहा हूँ, सुबह में ही वीडियो अपलोड किया और सुबह में ही फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज शाम को एक जगह जाने का है, तो वहाँ पे मैं जाने के बाद यार मतलब वीडियो नहीं बना पाऊंगा अभी। तो यार यहाँ पे हमारा बंगाली में यार नया साल स्टार्ट हो रहा है, मतलब यार जिसको हम लोग पहला बैसाख बोलते हैं तो वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए यार हम लोग बस आज रात को वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो यार सुबह में ही बना देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे सब कमेंट को आप लोग चेक कर लो, जितना कमेंट मैं किया हूँ पिक कर दिया, बाकी जिसका कमेंट यहाँ पे नहीं है उसका कमेंट कल की वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट जरूर कर देना, मैं कल की वीडियो के अंदर पिक जरूर से कर दूंगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना कमेंट को मैं पिक करके लेके आ पाया हूँ उसका कमेंट को यहाँ पे पिक कर दिया। बाकी तो यहाँ पे अगर कमेंट की बात करें तो यहाँ पे कमेंट किया है कि अरे विक्रम भाई हमारा गोल्डन सेट बंडल का रिटर्न आने वाला है। हाँ भाई, गोल्डन सेट का एकदम कन्फर्म अपडेट मिल चुका है, तो टेंशन नहीं करने का अपन है ना यार, अपन आप लोगों को यार बहुत ही जल्दी जल्दी अपडेट देते, तो चलो यार अभी अपडेट भी दे देते। यार पहले बात करके आप लोगों का इवो वर्ल्ड कर में देखो, काफी सारा भाई ने मेरे को ये कमेंट किया कि यार विक्रम भाई इवोस का रिटर्न में कब तक आने वाला है और इवोस का 2.0 भी कब आने वाला है। तो देखो अगर बात करें कि पहले अब लोग का इवोस का 2.0 के बारे में, तो देखो इवोस का 2.0 फिलहाल में नेक्स्ट अपडेट में ही आ जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग का जो ओल्ड इवोस कार्ड है भाई उसको आप लोग को रिटर्न डाल दिया हो जाएगा, क्योंकि गाइस कोई भी न्यू स्किन आने से पहले उसका ओल्ड जो स्किन होता है उसको रिटर्न में गिराना जरूर डालता है। तो देखो अभी इतना टाइम तक लीक्स निकल के आया कि जो नेक्स्ट इवो वर्ल्ड होगा आप लोग का, मतलब अभी के टाइम पर जो इवो वर्ल्ड चल रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट इवो वर्ल्ड होगा उस पर आप लोग का जो इवोस कार्ड है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यार देखो इवो वर्ल्ड 2.0 भी आ रहा है। ठीक है, इवो जो स्कार है 2.0 वो भी इवो वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा, इसके लिए उसके पहले जो आप लोग का ओल्ड स्कार का स्किन है उसको रिटर्न में डाल देगा गिरना एक बार, और रिटर्न में आता है तो भाई इवो वर्ल्ड के अंदर से ही आएगा, क्योंकि दूसरा कुछ तो इवेंट अभी के टाइम पर नहीं आ रखा है। तो जो भी है भाई आप लोग का जो इवो स्कार है वो आप लोग को नेक्स्ट जो इवो वर्ल्ड होगा उसके अंदर अगर अपडेट कर देता है तो यार जरूर से कन्फर्म कर दूंगा, बाकी अगर नेक्स्ट पर नहीं आता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आप लोग का इवो वर्ल्ड चेंजेस होगा उस पर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के टाइम पे यार देखो इस टाइप का जो एक रिंग इवेंट आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का रिंग इवेंट वगैरह भी बाहर के सर पर आना स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल में इसका भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी इंडियन सर्वर के लिए भी इवो वर्ल्ड के लिए स्पेशल करके इस टाइप का रिंग इवेंट आने वाला है, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से गन को मतलब मैक्स कर सकते हो। इतना दिन से तो आप लोग गन को परचेस कर रहे हो ना, इवो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा गन को चेंजेस कर करके गिरना दे रहा है, तो सारे के सारे गन को आप लोग शायद परचेस कर लिए हो, इसके लिए गिरना ने हम लोग को इसका इवेंट भी देने वाला है, ताकि आप लोग जाके आप लोग का पैसे को खर्च करो इसके लिए। तो इसके बाद में अगर बात करें कि भाई आप लोग का गोल्डन सेट बंडल की कंफर्म डेट के बारे में, तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर कंफर्म बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखते रहना, वीडियो की एकदम एंड में मैं आप लोग को इसका डेट बताने वाला हूँ, तो डेट जरूर से सुन के जाना। पहले बात करें कि भाई इसका इवेंट के बारे में, तो देखो इसका जो बैनर है वो बैनर में आप लोग को दिखा दिया हूँ, ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, अगर आप लोग को बैनर अभी तक देखा नहीं है तो यहाँ पर आप लोग फिर से देख लो, और अगर यहाँ पर भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो यार आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर चले जा सकते हो, वहां पे भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि यार जो आप लोग के ये बैनर देखने के लिए मिलता है ये आप लोगों का गोल्डन सेट की बैनर है। ठीक है, मतलब भाई आप लोगों को यहाँ पे जो स्क्रॉचिंग वाला बंडल है उसी का यहाँ पे स्क्रॉचिंग रिंग करके लिखा हुआ है, इसका मतलब भाई 101% मैं कंफर्मेशन से कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बैनर के अंदर लिखा हुआ है ये क्या स्क्रॉचिंग रिंग करके, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग को रिंग इवेंट ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर रिंग इवेंट आता है तो उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही बंडल को मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे
अच्छे से देखो भाई, एक ही बंडल यहाँ पे मेंशन किया है और वो है आप लोग का न्यू बंडल, जो गोल्डन सेट का न्यू बंडल है ना, स्क्रॉचिंग बंडल, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज कोई भी बंडल यहाँ पे मेंशन करके गिरना ने अभी तक नहीं रखा है, लेकिन आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना भाई। देखो ये जो स्क्रॉचिंग वाला बंडल है, अगर इसके साथ आप लोग का जो गोल्डन सेट का जो ओल्ड बंडल है उसको अगर गिरना रिटर्न डालता है, तो आने वाली जब इसका प्री एक्सेस होगा तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। अभी तक इसका प्री एक्सेस हो नहीं रहा है, फिलहाल में अभी प्री एक्सेस जो है ना वो फेल हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को अभी तक इसका प्री एक्सेस नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन आप लोग एक दिन का वेट कर जाओ, या फिर प्री एक्सेस को भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आता भी है और अगर नहीं भी आता है तो भी मैं आप लोग को यार सब कुछ बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, फिर से बताता हूँ कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बताऊंगा। तो कम्युनिटी पोस्ट मेरा आप लोग 2 से 3 घंटे बाद बाद चेक कर लेना, जरूर से जरूर मैं कभी ना कभी आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। अगर बता देता हूँ तो आप लोग जरूर से कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। जो भी है देखो इसका डेट मैं आप लोग को एंड में बताने वाला हूँ, उसके पहले बात करें कि जो आप लोग का कोबड़ा बंडल है इसका रिटर्न क्या में। देखो भाई ये जो कोबड़ा बंडल है ना, ये कोबड़ा बंडल की लीक्स बहुत ज़्यादा है भाई। मैं आप लोग को इसका पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि कोबड़ा बंडल की लीक्स बहुत ज़्यादा है, अगर आने भी होता है ना तो आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। जो रिंग इवेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाँ भाई इस टाइप का ही रिंग इवेंट के अंदर से आप लोग को कोबड़ा बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। तो आप में से काफ़ी सारा भाई ने मेरे को ये कमेंट किया कि विक्रम भाई कोबड़ा बंडल रिटर्न में कब तक आएगा। तो देखो मैं आप लोग को फिर से एक बात बता देता हूँ, कोबड़ा बंडल की लीक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन कोबड़ा बंडल आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो स्कॉर्पियो बंडल है इसका लीक्स बहुत कम है लेकिन इसका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार कोबड़ा बंडल जो है ऑलरेडी 2-3 बार रिटर्न आ चुका है, लेकिन आप लोग का जो स्कॉर्पियो बंडल है वो अभी तक एक बार भी रिटर्न नहीं आ रखा है। लेकिन आप लोग को ये बात भी समझना पड़ेगा कि यार कोबड़ा बंडल, ये जो बात बता दिया है स्कॉर्पियो के बारे में, ठीक है। अभी कोबड़ा के बारे में अगर बात करें तो देखो कोबड़ा बंडल की बात ये है कि यार कोबड़ा बंडल बहुत टाइम से आएगा इस स्टेप का करके पेंडिंग में पड़ जाता है, लेकिन कोबड़ा बंडल आ ही नहीं रहा है। इसके लिए भाई स्कॉर्पियो आने का मतलब जो लीक्स है वो बहुत कम है लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कोबड़ा बंडल है इसका लीक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है इसके लिए, तो इसका लीक्स बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन इसका चांस आने का बहुत ही कम है, क्योंकि यार स्कॉर्पियो बंडल के लिए बस एक ही बात है कि यार देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग को इसी मंथ को एक ना एक ही बंडल रिटर्न में डाल देगा ना एकदम से लास्ट वीक के अंदर, ठीक है, एकदम से लास्ट मतलब 25 तारीख के बाद आएगा इसका इवेंट, जो भी आप लोगों को ईवो बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा वही ईवो बंडल की मैं बात कर रहा हूँ, 25 तारीख के बाद आएगा इस मंथ की। और अगर इस मंथ को नहीं आता है तो नेक्स्ट मंथ को आप लोगों को 7 से 8 तारीख इसके पहले बंडल रिटर्न में दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेट बता दिया यार कौन सी डेट के अंदर आप लोगों का ईवो बंडल रिटर्न में आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म करके नहीं बता सकता हूँ कि यार दोनों में से कौन सा आएगा, मतलब यार कोबड़ा आएगा या फिर स्कॉर्पियो आएगा, ये बात बताना मेरी तरफ से भाई मुश्किल है भाई। मैं आप लोगों को तो इसका हिंट्स तो थोड़ा सा दे दिया यार कौन से ईवो बंडल रिटर्न आने का चांस है बहुत ज़्यादा और लीक्स किसका ज़्यादा है, इसका तो मैं आप लोगों को हिंट्स तो दे दिया ना। अभी देखो मैं आप लोगों को एक बात और भी कह देता हूँ, अगर कोबड़ा बंडल आ जाते तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर स्कॉर्पियो बंडल आता है तो उसके बाद में जब न्यू बंडल आएगा उसके बाद आप लोगों को फिर से कोबड़ा रिटर्न में डाल दिया हुआ जाएगा, अदरवाइज इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में तो बात कर ही लिए, अभी बात करते कि भाई आप लोगों का गोल्डन सेट की 100% कन्फर्म डेट कर में, ठीक है। देखो गोल्डन सेट का भी 100% डेट कन्फर्म हो चुका है कि आप लोग को 15 से लेकर 18 इस तारीख के बीच में देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट मंथ को नहीं भाई इसी मंथ को 15 से लेकर 18 इसके बीच में आप लोग को जो गोल्डन सेट बंडल है इसका रिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका बैनर निकल के आ चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 18 इसी के बीच में आप लोग को इसका इवेंट दिया हुआ जाएगा। तो टेंशन नहीं करने का अपन है ना भाई, इसके बारे में जब कन्फर्म डेट पता चलेगा मतलब कन्फर्म डेट पता चलेगा कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, इसके लिए बोलता हूँ कि यार कम्युनिटी पोस्ट जरूर से चेक क्या करो अब लोग। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मैं आप लोग को इवेंट दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इवेंट को प्रमोट करता हूँ, तो अब लोग कम्युनिटी पोस्ट जरूर से चेक क्या करो। तो गाइस देखो 15 से 18 इसके बीच में अगर गोल्डन सेट आ जाता है तो आ तो जाएगा भाई, इसके बीच में आएगा तो अब लोग निकल लेना, जितना भी डायमंड जमा के रखे हो सबको अब लोग गोल्डन सेट के ऊपर खर्च करना, क्योंकि यार बंडल बहुत ही अच्छा है। अब से अगर नहीं निकलोगे तो इसके बाद कब रिटर्न आएगा तो मैं भी नहीं बता सकता। बाकी तो आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर से कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों जरूर से करके जाना, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लगा है वीडियो बनाने में।